सोसाइटीज में रजिस्ट्री क्यों नहीं होती। मैं हूं आपकी होस्ट अरूज ट्रस्मा। डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इस तरह की न्यूज़ और अपडेट लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सोसाइटीज में रजिस्ट्री क्यों नहीं होती। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है मरले का डिफरेंस आता है। सोसाइटीज जो अब मरला देते हैं, एक मरला वो 225 से लेकर 250 के करीब होता है, और जो गवर्नमेंट का हिसाब होता है रजिस्ट्री में वो 272 के करीब होता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा रेट का डिफरेंस होता है। जो सोसाइटीज में जो होता है टैक्स रेट वो डीसी रेट के मुताबिक होता है, और रजिस्ट्री में जो है इससे थोड़ा कम होता है। थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो इनका जब ये रजिस्ट्री अगर दे दें सोसाइटी वाले, तो उनका गवर्नेंस, उनकी कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब उन्होंने जितने भी चार्जेस लगाने होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, बिजली गैस के चार्जेस हो गए, पोसेशन चार्जेस हो गए, डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, और जितने भी मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो फिर उनसे नहीं ले पाते क्योंकि उन्होंने तमाम तर कंट्रोल अपने रिहायशियों को दे दिया होता है, तो फिर वो उनसे नहीं मांग सकते। तो इसलिए भी वो अपना अख्तियार कायम रखने के लिए जो है वो गवर्नेंस रखने के लिए वो नहीं जो है वो देते रजिस्ट्री। फोर्थ पॉइंट की बात की जाए वो ये है, आपको ट्रांसफर करते हुए या ट्रेडिंग करते हुए जो है वो मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जब आपके नाम रजिस्ट्री हो जाती है तो फिर आपको वो एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसके गुजरने के बाद आप फिर अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफर या फिर ट्रेडिंग उसकी कर सकते हैं। लास्ट में ये सवाल आता है कि रजिस्ट्री करवाना अच्छा है या नहीं। तो नॉर्मली एट द एंड आप यही चीज मैटर करती है कि आप किसी अच्छी सोसाइटी में एक ऐसी जगह घर लें जो आपको हर तरह से रहायश के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी ओवरऑल जो भी नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा करें, जो भी आपको बेनिफिट्स चाहिए एक जगह पे अगर आप रहना चाहते हैं या अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस भी लिहाज से आपने उस जगह पर अगर घर ख़रीदा है। क्योंकि आप अगर किसी सोसाइटी में कोई जगह ख़रीदते हैं, एट द एंड आपको उस जगह का अलॉटमेंट लेटर या पोसेशन लेटर दे दिया जाता है, और फिर वो नॉर्मली जो है गवर्नमेंट के इदारों से भी जो है मंजूर शुदा हो जाता है। समटाइम कुछ इलाकों में या कुछ गाँव देहातों में इस तरह भी हो रहा होता है कि रजिस्ट्री में आपकी कोई और लोकेशन मैंशन कर दी जाती है, लेकिन जो एक्चुअल होती है वो कोई ओल्ड लोकेशन होती है। तो सोसाइटीज़ जो हैं वो एक सही जो अप्रूव्ड क्रेडिबल सोसाइटीज़ होती हैं, उनका यही फ़ायदा होता है उनमें घर लेने का, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आपकी जो है लोकेशन पता होती है, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, एवरीथिंग आपको पता होता है। इवन आप सोसाइटीज़ के अंदर अपनी मर्ज़ी का प्लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी उनकी चार्जेस होते हैं वो आप देते हैं, एंड अपने पसंद का आप प्लॉट ले सकते हैं। मज़ीद इस तरह की हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। अगर आप किसी और जनरल टॉपिक पर चाह रहे हैं कि हम वीडियो लेके आएँ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।